देश की बड़ी खबरें। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, बंगाल, पुडुचेरी, असम के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। कोलकाता के इंडियन कॉफी हाउस में पोस्टर लगाने को लेकर भिड़े बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। दिल्ली में स्पष्ट होंगे एलजी के अधिकार, उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया असंवैधानिक। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज भी बैंक कर्मियों की हड़ताल, सिर्फ एटीएम सर्विस रहेगी जारी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच नई गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी पूरी तरह से रोक, दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारी पर रोक। एमपी के भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सख्त हुआ प्रशासन, महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी, रैली धरना प्रदर्शन पर विरोध। जिले में बीते 24 घंटों में कोरोना के 368 नए मामले आए सामने, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत। एक बार फिर खोला गया केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, मां मनसा पूजा के लिए द्वार खोले गए, एक दिन केवल 10,000 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में जाने की इजाजत। आज अहमदाबाद में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला, दोनों टीम जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतरे। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में अब बिना दर्शक खेले जाएंगे सभी मैच, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद बीसीसीआई का बड़ा फैसला। चलिए फिलहाल खबरों में